Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about forms of tenses. आज हम present tense की बात करेंगे. हमने देखा था tense कितने types के होते हैं. Three main types of tenses आते हैं. कौन कौन से? Present tense, past tense and future tense. जो present tense है यही तीन types के tense further sub category पे divided थे, right? और सब कैटेगरी पे कौन कौन सी? सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट. आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के ऊपर. प्रेजेंट टेंस भी चार पार्ट्स में डिवाइडेड है. प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम इनडेफिनाइट भी बोलते हैं, राइट. कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट. देखो सबसे पहला है सिंपल इनडेफिनाइट टेंस. अब इसका आपको क्या पता होना जरूरी है? इसका रूल पता होना जरूरी है. क्या रूल है भाई? दैट इज सब जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हो तो यू शुड नो द रूल ऑफ दैट. दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल, ठीक है. आई प्ले, आपको ये भी पता होना जरूरी है कि ही शी इट के साथ लगता है एस एंड ई एस. आई यू दे के साथ नहीं लगता एस और ई एस, राइट. देखो आप सिंपल सा एग्जांपल समझो. आई प्ले, इसके साथ अभी मैंने क्या बोला? आई यू दे के साथ एस ई एस नहीं लगता. वाई? ही शी इट के साथ एस और ई एस लगता है. आई प्ले, ही प्लेस, क्योंकि अभी क्या बोला? ऐसा लगेगा, राइट. यू प्ले, आई प्ले, ही प्लेस. अब ही के बदले चलो हम बोलते हैं शी, तो शी प्लेस वॉट? इट कैन बी आई प्ले बैडमिंटन, ही प्लेज फुटबॉल, यू प्ले बैडमिंटन. आई इज द सब्जेक्ट, प्ले इज द फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फुटबॉल बोला ना मैंने अभी, फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है. ही इज द सब्जेक्ट, प्लेस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. विच फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. प्लेस फुटबॉल या बैडमिंटन, एनीथिंग यू कैन टेक, ठीक है. सो ये जनरल रूल आपको पता होना जरूरी है फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ वी हैव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. ये एक रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. अब सेंटेंस क्या है? आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूं. रहा है, रही है, रहे हैं. When I was a child, when I was 6-7 years old, I was having a book of English language along with me. मैं वहां पे टेंसेस पढ़ा करती थी. And I used to study the translation also. Translation पता है आपको? जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश टू हिंदी करना, हिंदी टू इंग्लिश. तो वहां पे सेंटेंसेस लिखा होते थे, जैसे था कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूं. रहा है, रही है, रहे हैं इज यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऑलवेज रिमेंबर आई एम डांसिंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही हूं. ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है. रहा है, रही है, रहे हैं इज यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऑलवेज रिमेंबर. नाउ थर्ड वी हैव डन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है? जनरल रूल को समझिए पहले. डेट इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई हैव प्लेट, ही हैज प्लेट, यू हैव प्लेट. पहली बात तो आपको ये पता जरूरी होना चाहिए कि आई, यू, दे,
वी यूज हैव फॉर ही शी इट वी यूज हैज. ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? आई यू दे के साथ हैव का यूज करते हैं, वेल ही शी इट के साथ हैज का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने पड़ा, राइट, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं. फॉर डैट वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. डियर वंस, वेन एवर यू आर रीडिंग दिस, आप हिंदी में भी इसे पढ़िए, आप व्याकरण भी पढ़िए साथ में, हिंदी व्याकरण होती है ना, उसको भी साथ में पढ़ो, देन ओनली यू विल बी इजिली एबल टू अंडरस्टैंड वट आई एम सेइंग. ठीक है, ही हैज प्लेड को आप कैसे बोलेंगे? वह खेल चुका है, यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं. वी यू एट लास्ट में सेंटेंस क्या आता है? आई हैव रिटन द लेटर, मैं पत्र लिख चुकी हूं. दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है यहां पे. नाउ वी हैव फोर्थ वन, दैट इज परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसके साथ हैव बी प्लस आईएनजी प्लस सेंस फॉर का यूज किया जाता है. ठीक है, कैसे? सी देखो, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. ठीक है, आई के साथ हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस सेंस का यूज किया गया है. ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल या बैडमिंटन सिंस मॉर्निंग. यू हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस मॉर्निंग. ठीक है, ये एग्जाम्पल है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. और जैसे कि अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक, दैट इज शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. तो दिस इज प्रेजेंट एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. If you have any problem, tell me below in the comment box. Thank you so much.